श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी की प्रेम कहानी अत्यंत अद्भुत और लुहावनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पौराणिक पॉडकास्ट उन्हीं की प्रेम कहानी पर। राजा भीष्मक की इकलौती पुत्री रुक्मिणी अत्यंत सुंदर थी। नारद मुनि जैसे कई संत और ऋषि नियमित रूप से राजा भीष्मक के महल में आते थे। रुक्मिणी को उनसे बात करने का मौका मिलता था। संतों से कृष्ण की महानता की कहानी सुनते सुनते रुक्मिणी के हृदय में कृष्ण की एक छवि बनने लगी। रुक्मिणी जी को ये पता ही नहीं चला कि कब वे श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी और उनसे मन ही मन शादी करने का निर्णय ले लिया। रुक्मिणी की खुशी के लिए उनके माता पिता चाहते थे कि उनका विवाह कृष्ण से हो, लेकिन उनके बड़े भाई रुक्मी ने उसका विवाह चेदी के राजा शिशुपाल से तय किया था। रुक्मी कृष्ण के शत्रु जरासंध का मित्र था। अंत में रुक्मिणी के पिता भीष्मक ने रुक्मी की मांगों को मान लिया और शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह करने के लिए सहमत हो गए। भयभीत रुक्मिणी ने कृष्ण को एक प्रेम पत्र लिखा। रुक्मिणी ने उस पत्र में कृष्ण के गुणों के कारण उनके प्रति अपने गहन प्रेम को व्यक्त किया। उसमें उन्होंने कृष्ण को विदर्भ आकर उसे भगाकर ले जाने का आग्रह किया। द्वारका में कृष्ण को यह पत्र सौंपने का काम उनके भरोसेमंद पुजारी को दिया गया था। द्वारिका पहुंचकर ब्राह्मण की कृष्ण से भेंट हुई। उन्होंने वह पत्र निकाला जो रुक्मिणी ने कृष्ण को लिखा था और कहा, यह राजकुमारी रुक्मिणी के शब्द हैं। मेरे प्रिय कृष्ण, मैंने आपके दिव्य गुणों के बारे में सुना है। मैं अपना हृदय आपके सामने रख रही हूँ। आपने मुझे मोहित कर लिया है और मेरा हृदय जीत लिया है। आपको मेरे चरित्र की दृढ़ता पर संदेह हो सकता है, क्योंकि मेरे जैसी अविवाहित युवा कन्या बिना किसी शर्म के आपको कैसे एक प्रेम पत्र भेज सकती है। प्रभु, मैंने आपको अपने पति के रूप में चुना है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया यहाँ आए और मेरा हाथ पकड़ लें, ताकि शिशुपाल या अन्य कोई मुझे छू न सके। रुक्मिणी देवी की कथन को कृष्ण को सुनाने के बाद ब्राह्मण ने कहा, मेरे प्रिय कृष्ण, मैं आपके लिए रुक्मिणी से यह गोपनीय संदेश लाया हूँ। उचित विचार विमर्श के बाद आप जैसा चाहें वैसा कार्य कर सकते हैं, लेकिन यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो तुरंत करना होगा, ज्यादा समय नहीं बचा है। रुक्मिणी की बात सुनकर भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, मुझे यह सुनकर बहुत आनंद हुआ कि रुक्मिणी मुझसे विवाह करना चाहती है, क्योंकि मैं भी उससे विवाह करने के लिए उत्सुक हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ उसके बड़े भाई ने मेरे प्रति शत्रुता की भावना से किया है, इसलिए मैंने इन सभी राजकुमारों को एक अच्छा सबक सिखाने का दृढ़ संकल्प लिया है। इस बीच महल के अंदर रुक्मिणी सोच रही थी, आज और मेरे विवाह के दिन में केवल एक ही रात का अंतर है और अभी तक ना तो ब्राह्मण आए और न ही श्याम सुंदर। मैं इसका कोई कारण निश्चित नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ी निराशा होने पर उसने सोचा कि शायद कृष्ण को असंतुष्ट होने का कारण मिल गया होगा और उन्होंने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया होगा। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण निराश हो गए होंगे और वे भी वापस नहीं आए होंगे। हालांकि वह देरी तक विभिन्न कारणों के बारे में सोचती रही, फिर भी उनके मन में कहीं ये उम्मीद थी कि वे दोनों अवश्य आएंगे। क्योंकि वह अपने मन की बात किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकती थी, इसलिए बस आंसू बहाती रही और बेबसी में अपनी आंखें बंद करती रही। रुक्मिणी विवाह के दिन ब्राह्मण दूत के दर्शन हुए। रुक्मिणी मुस्कुराकर उनसे पूछी, क्या कृष्ण पहले ही आ चुके हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण आ गए हैं और उन्होंने रुक्मिणी को प्रोत्साहित करने के लिए कहा कि कृष्ण ने रुक्मिणी को ले जाने का वादा किया है। इस बीच रुक्मिणी तैयार होकर देवी अंबिका के मंदिर में दर्शन करने के लिए महल से निकली। फिर पुनः रुक्मिणी माँ और सहेलियों के साथ अपने अंग रक्षकों से घिरी मंदिर से निकल आई।
विवाह के लिए कुंडना आए सभी राजकुमार और आगंतुक रुक्मिणी को देखने के लिए मंदिर के बाहर एकत्र हुए थे। अन्य राजकुमारों की परवाह किए बिना कृष्ण ने तुरंत मौका पाकर रुक्मिणी को अपने रथ पर बैठा लिया, जिस पर गरुड़ की छवि वाला झंडा लगा हुआ था। फिर वह बिना किसी डर के धीरे धीरे आगे बढ़े और रुक्मिणी को उसी तरह ले गए जैसे शेर सियारों के बीच से हिरण को लेकर निकल लेता है। इस बीच भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम यदुवंश के सैनिकों के साथ घटना स्थल पर उपस्थित हुए। जरासंध और अन्य सभी राजकुमार रुक्मिणी का अपहरण करने के लिए कृष्ण पर क्रोधित थे। उन्होंने कृष्ण का पीछा किया, लेकिन यदुवंश के सैनिकों ने उनकी प्रगति को रोक दिया। सभी विरोधी तत्वों को हराने और रुक्मिणी को जबरन ले जाने के बाद कृष्ण उन्हें अपनी राजधानी द्वारका ले आए और फिर वैदिक अनुष्ठान के अनुसार उनसे विवाह किया। यहाँ जो बात सबसे अलग है वो है रुक्मिणी का कृष्ण के प्रति विकसित हुआ प्रेम। यह उन दुर्लभ उदाहरणों में से एक है जहाँ दोनों ने बिना एक दूसरे को देखे ही एक दूसरे को स्वीकार किया और प्रेम का एक अटूट बंधन प्रारंभ हुआ। एक व्यक्ति के रूप में कृष्ण की महानता जानने के बाद रुक्मिणी उनके प्रेम में पड़ गई। दूसरी ओर कृष्ण रुक्मिणी की भक्ति से प्रभावित हुए। दोनों में शक्ल सूरत से नहीं बल्कि अपने गुणों से एक दूसरे के प्रति गहरा प्यार विकसित हुआ था। नक्षत्रों और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube और Spotify चैनल्स देख और सुन सकते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बस यहीं तक। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ ये कहानी WhatsApp या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सनातन कहानियों को लोगों तक पहुँचाने में मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं आपकी कथाकार अनुराधा फिर लौटूंगी एक ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। नारायण नारायण।